प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग विधेयक मंगलवार को सदन में ध्वनिमत से पारित हो गया। विपक्ष के सदस्य इसे प्रवर समिति में भेजने के लिए कई संशोधन लेकर आए थे। आंशिक संशोधन के बाद विधेयक विपक्ष के बहिष्कार के बीच सदन से पारित हो गया। इसके तहत अब किसी का सामाजिक या व्यवसायिक बहिष्कार करना भी मॉब लिंचिंग कहलाएगा। दो या दो से अधिक लोगों द्वारा हिंसा करने पर इसे कानून की नज़रों में मॉब लिंचिंग माना जाएगा। मॉब लिंचिंग में मौत होने पर दोषी को आजीवन कारावास और 5 से 25 लाख रुपए तक की सजा हो सकती है। मंगलवार को प्रभारी गृह मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में विधेयक पेश किया। सरकार ने रामचंद्र चंद्रवंशी के सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखने और पुरस्कृत करने के संशोधन को स्वीकार कर लिया है। अमित मंडल ने दुर्बल के स्थान पर आम नागरिक शब्द जोड़ने की मांग की है, इसे भी सरकार ने स्वीकार कर लिया। अमित मंडल ने कहा, अगर बिल को राजनीतिक उद्देश्य से लाया गया है तो यह गलत है। कुछ अधिकारियों ने सरकार को खुश करने के लिए इसमें कई ऐसे शब्द जोड़े हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो CRPC और IPC में पहले से ही हैं। अमर बावरी ने कहा, यह बिल आदिवासी और मूलवासी विरोधी है। मॉब लिंचिंग के पीड़ितों के पुनर्वास की व्यवस्था की भी चर्चा हुई। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि कई राज्यों में तो इस अपराध के दोषी को मृत्युदंड तक के प्रावधान किए गए हैं। विनोद सिंह ने कहा कि बिल 5 दिन पहले देने का प्रावधान है, विशेष परिस्थितियों में 3 दिन का समय है, लेकिन यह बिल कल ही दिया गया। सरकार को मॉब लिंचिंग के पीड़ितों के पुनर्वास की व्यवस्था भी करनी चाहिए। चर्चा के दौरान ही विपक्ष ने सरकार पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगाते हुए सदन का बहिष्कार किया। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया गया है, इसमें किए गए प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हैं। अब आप भी समझ लीजिए कि मॉब लिंचिंग के दायरे में क्या क्या आएंगे। दो या दो से अधिक लोग द्वारा हिंसा करने पर मॉब लिंचिंग होगी। किसी व्यक्ति के कारोबार या व्यवसाय का बहिष्कार करना, जहां व्यक्ति स्थायी रूप से रहता हो उसे बाहर करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, परिवहन सहित लोक सेवा से तिरस्कार करना, मूल अधिकारों से वंचित करना या वंचित करने की धमकी देना, घर या मामूली निवास या आजीविका के स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करना, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, आहार, व्यवहार, लैंगिक, राजनीतिक संबद्धता और नस्ल के आधार पर हिंसा या परेशान करना। राज्य में शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहे इसके लिए विधेयक लाया गया है। इस विधेयक पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहे इसके लिए विधेयक लाया गया है। समय समय पर घटनाएं होती रहती हैं, कई घटनाएं कुछ असाधारण तरीके से भी हम लोगों के सामने आ जाती हैं। राज्य में सभी सौहार्दपूर्ण तरीके से रहें हम सब का दायित्व है, और कभी कभी असामाजिक तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, इसलिए राज्य सरकार यह कानून लेकर आई है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।